वो चील था क्या इसलिए उसका प्यार बुरा था? नहीं, खोट थी उसकी नियत में, इसलिए उसका प्यार गलत था। वो मेरी तरह नागवंश का नहीं था कि उसने मुझसे प्यार करने की कोशिश की। वृंदा, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना जैसे हम नागिन इंसानों के प्यार में पड़ती हैं। नहीं वृंदा, ये उससे बहुत अलग था। ये जानता था कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मेरा एक जोड़ा है, लेकिन फिर भी उसने छल कपट करके मुझे पाने की कोशिश की। इसीलिए उसका अंत हुआ ना तुम्हारे हाथों। इससे भी बुरा हाल होना चाहिए था उसका। वो सजा भी उसके लिए कम थी। अब मेरे साथ वो भी दोबारा जन्म लेगा। लेकिन अगर उसने इस बार कुछ गलत करने की कोशिश की तो इस बार भी मैं उसका वही हश्र करूंगी जो पिछली बार हुआ था। रिंदा। रिंदा। देव। रिंदा। देव। देव। देव को होश आ गया। देव, आराम से, तुम्हें होश आ गया। देव, देव। तुम ठीक हो गए, तुम्हें होश आ गया। देव। वृंदा, मैं जिंदा हूँ, पर मुझे माफ कर दो देव, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। नहीं, I'm sorry वृंदा, I'm sorry, मेरे परिवार की वजह से, तुम्हारा पूरा परिवार। नहीं, I don't know, मैं इस चीज की माफी कैसे मांगू तुमसे। वृंदा, all I want to say is that I love you, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I really love you। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ देव, बहुत प्यार करती हूँ। यहाँ कोई और भी है क्या? मतलब आप? मैं नागेश्वरी, यहाँ बरसों से हूँ। देव यही है जिनकी वजह से तुम्हारी जान बची है। Really? नहीं देव, तुम्हारी जान मैंने नहीं, वृंदा के प्यार ने बचाई है। प्यार में बहुत ताकत होती है ना वृंदा, और बहुत जल्दी मेरा प्यार भी जान जाएगा। खैर, तुम दोनों तैयार हो ना लौटने के लिए? लिसन, मैं कितने टाइम के लिए चला गया था? मैंने घड़ी तो नहीं देखी, पर देव मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया हो। तो इतना टाइम क्यों लगाया मुझे वापस लाने में? वो मैं कहानी सुन रही थी। What? Really? तुम्हारा पति यानी मैं मरा पड़ा हुआ था और तुम्हें कहानी सुननी थी? तो तुम ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैंने बचा लिया ना। थैंक यू यार, बहुत मेहरबानी की तुमने। देव, ये सब मत करो, अब ये नहीं चलेगा। अरे नहीं, गुस्सा मत करना, डसवत मत लेना मुझे, आई एम सॉरी। कम हियर। अब मैं आपकी ये अमानत, ये नागमणि आपको समर्पित करती हूं भगवान, इसे स्वीकार कीजिए। अब मैं अपने पुनर्जन्म के लिए तैयार हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए भगवान कि मृत्यु लोक के इस सफर में मैं अपने हम सफर को ढूंढ सकूं। बाकी मैं अपनी कहानी और इतिहास को दोहराने के लिए तैयार हूं। धरती का काल चक्र घूम चुका है, अब वो घड़ी आ चुकी है जब वो सब दोबारा जन्म लेंगे। आने वाले 40 वर्षों में चीलों का पुनर्जन्म होगा। 15 वर्ष बीतेंगे, फिर तुम्हारा जन्म होगा नागेश्वरी, और उसके पहले तुम्हारे हृदय का, और लौटोगे फिर तुम तीनों, नाग, नागिन और चील। वाह शेर, वाह, आज महादेव 13 दिन है और फिर से खेल शुरू हो गया। 10,000 वर्षों दिव्य पुराना खेल, जब वो गया वो भी गई।
और उस दूसरे को भी ले गई। लेकिन चमत्कार देखो, सतयुग की कहानी कलयुग में सुनी गई, यानी कि इस धरती पर उनका जन्म हो चुका होगा। क्या खेल खेलते हो तुम शिव? शिव नहीं, शिव जी कहो, देवों का देव महादेव है ये। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, त्रिलोकी है ये, तभी तो तीन लोग पहले और तीन लोग बाद की कहानी लिखती। देखते हैं जीत इस बार किसकी होती है, नाग नागिन के प्यार की या चील के वार की। ये सिर्फ तुम्हें पता है भोले शंकर। इतिहास अपने आप को दोहराता है, पर हर बार वो कहानी का आखिरी पन्ना बदल देता है। ये सिर्फ तुम जानते हो कि जब पुराना प्यार लौटकर वापस आएगा तो पुराने खलिश लाएगा या नई कशिश। से पता है कि तुमने क्या सोचकर इन्हें जन्म दिया। आज की रात जब तीन जिंदगियां टकराएंगी, जैसे आकाश में दो तारे जो नाग और नागिन का प्रतीक हैं, और उन दोनों को अलग करता हुआ वो दाग भरा चंद्रमा जो क्रूर चील का स्वरूप है, जब वो आएंगे तो कैसा तांडव होगा। वही तीन जिंदगियां हृदय। और नागेश्वरी। कहानी बदलने वाली है, चेहरे बदलने वाले हैं, प्यार और पागलपन एक साथ वापस आने वाले हैं। क्या हुआ? फिर से वही सपना देखा? हाँ, मुझे इसका क्या मतलब है? Let's get ready! क्या कर रहे हो तुम लोग? OMG, मैं मेरे को लग रहा है लोग भूल गए हैं। I know that, मुझे भी ये लग रहा है। ओ नो नो नो, नूर की बच्ची, आज तो शादी है। ये सब छोड़, तू जा, मैं हैंडल करूंगी। पक्का दे? हाँ, थैंक यू सो मच। सो लकी यार, इतने बड़े कर करिश्मा, इतने सारे पैसे। वो मैं लूट हो रही हूँ थोड़ा, मुझे और इसकी कदर ही नहीं है। Anyways, come, let's get ready. वही, वो जन्म ले चुकी है, लगता है इस बार तांडव होकर रहेगा। रुको, क्या मतलब है तुम्हारा तांडव से? अरे वो नागिन है, अपने प्यार को दोबारा पाने के लिए और उस चीलों से बदला लेने के लिए पुनर्जन्म ले रही है। ऐसे में चील की भलाई इसी में है कि वो नागिन से दूर रहे, वरना मारा जाएगा। देखते हैं। आज महादेव का दिन है, मुझे लगता है कि इस बार कहानी कुछ अलग ही कहेगी। याद रखो, युगों पहले एक चील एक नागिन के लिए मरा था, फिर उसके लिए मरेगा या उसे मारेगा वो कोई नहीं जानता। क्या नाग उसे बचा पाएगा कोई नहीं जानता। आगे की कहानी क्या होगी कोई नहीं जानता। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि इस बार बहुत कुछ होगा, बदला भी होगा, प्यार भी होगा और दुश्मनी भी दोहराई जाएगी, लेकिन अलग अंदाज में। आज की रात निर्णायक रात होगी। वाह भोलेनाथ, तेरी माया कोई नहीं समझ पाया, और देखना ये भी ना समझेंगे, बस इतिहास के पन्ने को पलटता देखेंगे सूर्यास्त के बाद। क्या हुआ पापा, बिटिया भी तो जानी हुई? बस आती होगी। आजकल की लड़कियां देखी, हर चीज में देर कर रही, पहले शादी के लिए हाँ करने में देर, अब नीचे आने के लिए। अपसेट क्यों हो रही हो? जाओ जाकर देख कर आओ, मैं हूं ना यहाँ। जाओ 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 जाओ, हाँ जाओ जाओ।